नीमा द्वारा आयोजित नेशनल इंटीग्रेट मेडिकल एसोसिएशन दी सेंटर एग्जीक्यूटिव मीट 2023 सेक्टर 35 दे लोकल बॉडीज बिल्डिंग दे विच आयोजित की गई। इस विच देश विदेश तो लगभग 300 आयुर्वेदिक विज्ञानिक शामिल हुए। हर दिन हर घर आयुर्वेद ते मंथन करदे हुए इस विशेष मीट दे विच डॉक्टर राकेश शर्मा नेशनल कमिश्नर फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दे प्रेजिडेंट मुख मेहमान रहे। डॉक्टर बीएल मेहरा गुरु रविदास यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर राहुल गुप्ता श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर डॉक्टर केएस दीमान डॉक्टर संजीव गोयल रजिस्ट्रार बोर्ड आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिकल विशिष्ट मेहमान रहे। डॉक्टर संजीव गोयल ने कहा कि हर दिन हर घर आयुर्वेद दा संदेश प्रत्येक भारतीय दे जीवन दा अंग होना चाहिए। सर जिहड़ा अज दे कार्यक्रम है ये नेशनल इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक एसोसिएशन दा कार्यक्रम है। मैं इन्हां दा बड़ा धन्नवादी हां, इन्हां ने मैनूं बुलाया इत्थे। हाँ, इत्थे आने का बड़ा मेरा मकसद बड़ा सफल रहा क्योंकि मैं ये चाहता कि हिंदुस्तान भर के जिन्हें भी साढ़े प्रैक्टिशनर ISM प्रैक्टिशनर हैं वो बीइंग ए नेशनल कमीशन च मैं बोर्ड ऑफ एथिक्स रजिस्ट्रेशन का अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इन्हों इन के राइट्स दसा भी असी प्रैक्टिस करते समय केड़ी केड़ी एथिकल गल्लां केड़ी अनएथिकल गल्लां जिहड़ियां गल्लां असी नहीं करनियां वह भी इन्हों पता होने चाहिए और जिहड़ियां नियम जिहड़े नियमानुसार इन्हों प्रैक्टिस करनियां वह भी पता होना चाहिए और साढ़े राइट्स की हैं भी असी कित्थे तक अपना जिहड़ी है प्रैक्टिस के अदारे च असी जा सकते हैं और कित्थे तक असी जिहड़े हैं सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं या असी चैक कर सकते हैं या असी पेशेंट नूं किन्नी कि साडी लिमिटेशन है ट्रीट करन दी। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार लिए कितना कुछ हो रहा है और फ्यूचर आप कितने देख रहे हैं आयुर्वेद? सर इस तरह है कि भारत सरकार पिछले 20-25 साल तो IEC स्कीम है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत हर स्टेट नू आरोग्य फेयर्स लगाने के पैसे दें जिदा मेन मकसद यही होंगे है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होए। उद्देश भारत सरकार की काउंसिल्स जी हैं रिसर्च काउंसिल्स हैं वो खास करके इन्वॉल्व होंगे हैं, जिहड़ी साडी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी है, साडे जिहड़े कॉलेजेस हैं वो इन्वॉल्व होंगे हैं, साडे मेडिकल ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे हैं। उहदे नाल हुंदा भी लोगों को इक्को ही थां ते पूरे आयुर्वेद की सारे हिंदुस्तान च होने वाली गतिविधियां का पता लग जाता है और वो सारे जिन्हें भी आरोग्य लगते हैं फ्री होंगे हैं, फ्री ट्रीटमेंट होंगे, फ्री उत्थे टेस्ट होंगे हैं। इस नाल बड़ा ही जिहड़ी है लोगों च अवेयरनैस आई है और अजकल लोग योग और आयुर्वेद के प्रति पूरे हिंदुस्तान च असीं देखते हैं सवेरे बहुत सारे गार्डन च लोग योग करते हैं और उस तो बाद उन्हां दी डाइट दे बारे बड़े कॉन्शियस हैं। अजकल मिलिट्स ईयर जिहड़ा मनाया जा रहा है तो जिहड़ा मोटा अन्न है उन्हूं असीं ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और डायबिटीज़ तो ओबेसिटी तो बचन लई और हाइपरटेंशन तो बचन लई होर बहुत सारी सीजनल डिजीज़ तो बचन लई जिहड़ा है ये अपनाना बड़ा ही जरूरी है और इसनों लोग अपना रहे क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी चिकित्सा पद्धति है। हर घर घर असं अपने घर से हल्दी खाते हैं आयुर्वेद है, नमक खाते हैं आयुर्वेद है, जीरा खाते आयुर्वेद है, जवैन खाते आयुर्वेद है, लसन खाते हैं वो आयुर्वेद है, प्याज नूं संस्कृत पलांडू कहते हैं प्याज खाते हैं वो आयुर्वेद है, यानी कि छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, तेजपत्र है, ये सारी आयुर्वेद की दवाइया च भी पैंदा है, साढ़े खाने च भी पैंदा है। इसलिए हर घर हर दिन आयुर्वेद ये जड़ा स्लोगन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से दिया है। एक्सपोर्ट और विश्व पद्धर में कहाँ देखते हैं आयुर्वेद? सर अब ऐसा है कि एक्सपोर्ट और विश्व पद्धर पे जहाँ तक सवाल है कि 3000 करोड़ का जो हमारा ये था बजट था, बजट नहीं था, जो हमारा इम्पोर्ट था वो बढ़ के 18,000 मिलियन हो गया एपिडेमिक के बाद। कोरोना में इतना अच्छा आयुर्वेद ने काम किया है, हमारे जो क्वाथ हैं काढ़े जो आयुष काढ़ा बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन की वजह से हम बहुत सारे लोगों को बहुत हमारा बड़ा देश है और हमारी जो कैजुअल्टीज हैं भगवान की कृपा से बड़ी कम रही हैं उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है और इसकी साइंटिफिक स्टडी हुई है और स्टडी ने बताया है कि आयुर्वेद के कारण आयुर्वेद की दवाइयों के कारण भी लोगों को कोरोना में बहुत लाभ हुआ है जिसकी वजह से हमारा रॉ मटीरियल जो है हमारी हर्ब्स जो हैं बाहर भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट होने लग गई है। पंजाब दे विच जिहड़ा आयुर्वेद है साडी आपदी यूनिवर्सिटी है 18 कॉलेज आयुर्वेद दे और पंजाब च कल्ला आयुर्वेद ही नहीं योगा दा भी जिहड़ा हैगा है वो पंजाब दे विच लीड कर रहा है। साडे 2 CM दे कंसलटेंट और ट्रेनर्स जिहड़े 213 असीं होर रख रहे हैं 67 पहला है ते अज पंजाब दे विच योगा दियां फ्री जिहड़े क्लासां चल रही हैं 290 क्लासां वो सारे शहर चल रही हैं और आने वाले टाइम से असीं 1 महीने दे विच 1000 क्लास तक पहुँच जाएंगे जिस घट्टो घट 25 बंदे योगा करते फ्री योगा उन्होंने सिखाया जाता सरकार वालों पंजाब सरकार वालों। और दवाइया मैनुफैक्चरिंग का पंजाब मैनुफैक्चरिंग तुसी जिहड़ी आयुर्वेद जिहड़े लसेंस है जिन्हें लिते हुए है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत जिहड़े मेडिसन जिवें धनवंतरी हर्बल्स है
इस तरीके दे नाल कई हर्ब जिहड़े हर्बल कंपनियां है और बहुत अच्छा आयुर्वेद मेडिसिन बना रही है। तो आयुर्वेद का जिस तरह सर ने कहा राकेश शर्मा जी ने कोविड तो बाद कोविड तो पहला भी वैसे तो लोड़ सी किचन दे विच सारा कुछ है। कोविड दे विच किसी नू भी समझ आई तो फिर यही समझ आया भी आयुष काढ़ा यूज़ करना पड़ेगा, सानू अपनी किचन वाली जाना पड़ेगा। आम बंदे नू आयुर्वेद तो की सीखना चाहिए की मैसेज की दोगे आम जनता लिए आयुर्वेद दे रिगार्ड? उन्हों अपना लाइफ स्टाइल जिहड़ा हैगा उन्हों चेंज करना पड़ेगा। जो साढ़े दादा दादी के टाइम का हुंदा सीगा उस तरीके से सानू जिहड़ा जिहड़ा अज दी जिहड़ी अज लोग जिहड़े है रात नू पढ़दे है सवेरे उठते नहीं, तो जे अगे सी भी रात को पहला नींद पूरी करते सवेरे उठ के पढ़ते हैं, इन चीज़ों से सानू उससे वापस आना पड़ेगा। ये आयुर्वेद का आहार विहार और सानू जी दिनचर्या है वो उससे आना पड़ेगा। नीमा चंडीगढ़ कितना काम कर रही है? नीमा चंडीगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक परिवार की तरह 300 से उत्ते मैंबर है, तो सारे तुम अज देख ही रहे हो। चंडीगढ़ ने फस्ट टाइम जी नैशनल बॉडी की मीटिंग रखी है, तो इन सारे का जो परिवार ने काम किया दिन रात किया है, तो देख ही सकते हो नीमा कितनी यूनाइट है, साड़ी कोई ग्रुपिज्म नहीं है और सारे एक दूजे के नाल मोढ़े के नाल मोढ़ा मिला के काम करते हैं। चंडीगढ़ तो नीरू बिजलवान की रिपोर्ट।